हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर योगी सरकार ने विधानसभा का जो बजट सत्र था उसमें बजट पेश कर दिया है। और बजट आने के बाद शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्या कुछ उन्होंने मांग करी है, वो जरा देख लेते हैं। वैसे जो आंकड़ों की जादूगरी है उसको लेकर कहीं ना कहीं तंज शिवपाल यादव कसते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि बजट को लेकर ना सिर्फ विपक्षी दलों को बल्कि जनता को भी काफी उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने इस बजट में जनता को कुछ नहीं दिया है बल्कि कहीं ना कहीं छलावा करने का काम किया है। बात कर लेते हैं, इसकी आलोचना जो है वो विपक्षी दलों ने साफ तौर पर की है। शिवपाल यादव ने अपनी प्रतिक्रिया जो है वो ट्वीट के जरिए दी है। आज का बजट नौकरशाही के नाम, आंकड़ों की बाजीगरी को सलाम। वहीं बजट से पहले सपा नेता ने कहा था कि एक बार फिर ये बजट मुकम्मल छलावा होगा, जबकि सपा प्रमुख की बात करी जाए तो अखिलेश यादव ने कहा कि बजट दिशाहीन है और मुझे लगता है कि सरकार $1 trillion की इकोनॉमी नहीं बना पाएगी। यहाँ इज इफ डूइंग क्राइम है, इज ऑफ डूइंग मुकदमा है, इस तरीके की जो बातें हैं वो कहते हुए नजर आए। राज्य में गाने पर मुकदमा हो रहा है, इसमें जातीय जनगणना के लिए कोई बजट नहीं है। अखिलेश यादव ने पिछला बजट खर्चों नहीं होने पर कहा, विकास के लिए बजट से अधिक दूरदृष्टि और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, जिसका अभाव भाजपा ही राजनीति में हमेशा नजर आता है। इसलिए उत्तर प्रदेश के कई विभाग बीते साल के आवंटित बजट का आधा भी खर्च नहीं कर पाए हैं। सीएम योगी की अगर बात करी जाए तो उन्होंने इसे मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष यानी कि पहले साल का बजट प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और वित्त विभाग की पूरी टीम को हृदय से बधाई। इस तरह की चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। आपको ये भी बताते चले कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर चुकी है और ये साल 2023-24 के लिए बजट होने वाला है। और ये बजट ऐसे वक्त पर पेश किया गया है जब आने वाले वक्त में या फिर कहिए कुछ महीनों में निकाय चुनाव होने वाला है। इसका असर जनता पर किस तरह पड़ेगा, क्या सरकार के लिए ये एक बार फिर से संजीवनी बूटी साबित होगा? और वहीं विपक्ष की बात करी जाए तो एक बार फिर अखिलेश यादव ही अकेले विपक्ष की जो चुनौती है वो सरकार को देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये बड़ी जीत योगी सरकार को हासिल होगी या फिर अखिलेश यादव बड़ी सेंधमारी बीजेपी के तमाम गढ़ों में करते हुए नजर आएंगे? तमाम सवालों के साथ छोड़े जा रहे हैं, देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।